आज हम आए हुए हैं यहाँ पे मेट्रो पे और आज हमने जाना है सैदपुर विलेज। ये मेरे साथ उसाम है इस वक्त और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, बाकी सारे लड़के पहुँच चुके हैं और अभी वो हमारा सही से इस्तकबाल करेंगे। सामा कुछ कहो, तुम बाल सेट करने दे रहा। सामा के बाल ख़राब हो गए हैं, ये हवा में आया है उड़ते उड़ते। तो चले आगे चलते हैं और देखते हैं। तो ये दो बंदे खड़े हैं, ये हमारे ऑफिस साहब। क्या करो यार, मोबाइल गिर गया, क्या हो? तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, हम आ चुके हैं अभी मेट्रो में। ये इमरान हमारे साथ अब पहुंचे हैं। काफी लोग इस पे तनकीद करते हैं कि ये नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार इमरान पहुंचे। तो आज के इस व्लॉग में बहुत मजा आएगा आपको। और ये हमारे साथ है शाम भी खड़ा है, शाम को दिखाओ यार, ये शाम भी खड़ा है, वो ऑफिस भी पीछे खड़ा है, वो उमर रजाक भी और ये सामा सामने बैठे हैं। अभी हम जा रहे हैं अपने एक और दोस्त आफाक को पिक करने, तो उसके बाद आफाक को पिक करेंगे तो फिर आपसे आगे मिलते हैं। A few moments later. So, हम लोग यहाँ पर सैदपुर विलेज आ गए हैं एंड बेसिकली दिस इज अ विलेज इन द मार्कला हिल्स एंड ये ऑलमोस्ट जो है 500 ईयर्स ओल्ड है। ये मांगने वाला है। यहाँ पर हमारे पास वी हैव डिफरेंट सिविलाइजेशंस लाइक गंधारा, अशोका, मुगल्स। सो लेट्स एक्सप्लोर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो गाइस ये आप देख सकते हैं यार, ये पहाड़ियाँ शाड़ियाँ। हम फिलहाल सैदपुर विलेज से आगे आ चुके हैं, वापसी पे आपको दिखाते हैं। ये पीछे सारा गांव है, कोई ख़ास देखने की जगह नहीं है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल एक गांव की तरह ही है। और यहाँ पे जो मॉडर्न वगैरह वर्ड यूज़ होते हैं वो यहाँ पे कोई मानी नहीं रखते। तो ये आप देख सकते हैं ये सब कुछ। अभी हम यार यहाँ पे आए हुए हैं, ये एक चश्मा सा हमें रास्ते में मिला है, ये पहाड़ी रास्ता ये वाला तय कर करके इस रास्ते से हम आए हैं। तो ये ऊपर आगे देखें, शाम आसिफ को देखें, बहुत प्यारी जगह यार तस्वीरों के लिए। देखें कितना चिकना लग रहा है शाम, ये देख सकते हैं आप इसको। और ये मेरे पीछे उसामा खड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस ये बहुत ही प्यारा चश्मा है, हम आपको इसका दूसरा व्यू दिखाते हैं अभी। सो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं इन मार्कला हिल्स और हम यहाँ पर आए तो सैदपुर विलेज थे, बट वी आर बेसिकली ऑन स्पेसिफिक ट्रेल जो मनाल को जा रही है एंड अब हम वापस जाएंगे एंड फिर देखते हैं सैदपुर विलेज। तो अभी हम यहाँ से मार्कला हिल्स वाले साइड से वापस आ चुके हैं और अभी हमने जाना है सैदपुर विलेज और वहाँ जाके जो है हम मुख्तलिफ हिस्टोरिकल साइट्स विजिट करेंगे लाइक गुरुद्वारा टेंपल और हम देश प्रदेश विजिट करेंगे और फिर दिखाते हैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। लेट्स गो, तो चलते हैं अभी।
बताएं। तो गाइस यहाँ पे हम अभी मंदिर में आ चुके हैं, ये सारा मंदिर है, तो ये अभी आफाक आपको दिखाएगा। So guys, this is a temple. It is as old as like 500 years, about Mongol period, and on and that is a Gurdwara. ठीक है, their history, both of their histories are same, and that is basically a dharamshala where a children's orphanage, basically it was an orphanage where orphans used to live as well as they used to study. So basically this is a temple, but the statues and idols have been removed. Now we will go in the dharamshala, that is now basically a art museum. This is dharamshala, and look how beautiful the craft and the paintings are. They have been preserved by the CDA, and now okay, so basically this is a gallery in which all the pictures, the initial pictures of when Islamabad was being constructed and it was just started, it contains all those pictures. So here I found old pics of Shahpur village. These pictures shows the before and after of Shahpur village after the renovation by CDA. So we are just exploring the Shahpur village, and here we are at Art and Craft Gallery. So let's explore it. We are at Art and Craft Gallery. Playing with fire is injurious to health. Oh. तो गाइस ये अभी हम आ रहे हैं, ये हमारे साथ पूरा स्क्वाड है, और ये आप देख सकते हैं हमारा लेजेंड बंदा इमरान, ये सही जुगाड़ लगा रहा है। तो ये देखें हमारा पूरा स्क्वाड है। तो ये अभी हम सैदपुर, ये आप देख सकते हैं ये पीछे ये सारी बिल्डिंग्स वगैरह सैदपुर की। तो अभी हम यार यहाँ पे इतना कोई खास नहीं है, ऐसे ही सारा कुछ फिनिश हो चुका है, पहले ही होता था, लेकिन अब यहाँ पे कुछ खास नहीं है गाइस। तो आप लोग ये यहाँ पे आज बहुत कड़ा जुगाड़ लगाया है ना, आ गया लाले को, ये देखिए लव हो गया, बड़े बड़े लव हो गया, आवाम आवाम की आवाम खुश है, वो लाले खुश है, लाला आवाम की बात करते हैं, लाला बात आवाम की होंगे पे पूरा उतरा है। हाँ
हाँ, और ये देखे काफी आवाम खुश है और वो लीड करता हुआ जा रहा है सबको आगे। गैडर साहब भी बहुत खुश है इस बात से कि जलाला की रिकमेंडेशन थी। इमरान आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में यार? मैं बस गरीब लोगों का भला करना चाहता हूँ। नहीं बस बस लाले को एक बुक भी यहाँ से और एक बुक भी यहाँ से दिखा दे। ये जो अभी थोड़ी देर तक लोग हाँ में हाँ मिला रहे थे वो भी अब लाले के साथ खड़े हो गए। लाले ने बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ लगाया है जिससे, और ये पीछे एक आवाम है जो लाले के मुखालिफ आ रही है, ये पीछे दो आ रहे हैं, इनकी अपनी अलग पार्टी है। अभी हमने जो कुछ करना होगा वो हम इमरान से पूछेंगे क्योंकि इमरान जो चीज बताता है वो सही बताता है। ये देखे सामा कोरोना हो गया, इसको भी कोरोना लगाऊंगा। तो गाइस अभी हम ने चाय पीनी थी तो इमरान से पूछते हैं कि बेसिकली वी जस्ट कैंसल्ड आवर टी प्लान और इमरान ही कहने पे जा रहे हैं सियादपुर विलेज गेट की तरफ, एंड सून हम सियादपुर विलेज को बाय बाय कह देंगे। इमरान आप बताए कि आपने हमें चाय क्यों नहीं पीने दी? हाँ तुम चल रहे थे इस वजह से। वो लोग कमाल के हैं, मैंने समझा ये बंदा भी बाइक से इनके मोबाइल छीन के ले गया कुछ ऐसा इनको पड़े। सो बेसिकली हम लोग गेट की तरफ बढ़ रहे हैं एंड सून वी विल से गुड बाय टू सियादपुर विलेज। बेसिकली इट वॉज अ वेरी फन ट्रिप, बहुत मज़ा आया एंड बहुत हमने नेचर को यू नो क्लोज से देखा। क्यों हाफिज साहब? बहुत क्लोज से देखा हमने, है ना? मजा आया। एंड वी लॉस्ट आवर थ्री ऑफ फ्रेंड्स राइट देयर एंड वी आर जस्ट एट द एंड। सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ आवर ट्रिप। सो आई वांट टू नो जवाद कि आपको कैसा लगा ये ट्रिप? तो हमें तकरीबन अच्छी थी ट्रिप, लेकिन हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आपने सही एंजॉयमेंट करनी है, अगर आप सही अच्छी जगह पे आना चाहते हैं तो उस जगह पे मैं तो आपको नहीं रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये काफ़ी जगह ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे जो आपको वीडियोस और तस्वीर में दिखाया जा रहा है वो नहीं है। तो वैसे बहुत ओके हाफिज, व्हाट यू वांट टू से? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है जो जवाब मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए। अच्छी जगह थी काफ़ी, अगर आपके पास अपने जेब खर्च हो और आप खुद कमाते हो तो ये जगह बहुत अच्छी है। और आप ओके थैंक यू सो मच। सो इमरान मेरे मुताबिक ये जगह अच्छी है, यहाँ आपको पुराना कल्चर मिलता है, साथ साथ आपको यहाँ एक नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी मिल जाती है। आप अगर पहाड़ी साइड पे जाए तो बहुत लेवल। सो वी जस्ट स्पॉटेड आवर थ्री ऑफ फ्रेंड्स राइट देयर। मैं जरा मुझे कुरकुरे खा के आता हूँ। लाइक आप देख सकते हैं ये हमारे दोस्त दाल मुर्ग और ये कुछ खा के हमें इन्होंने झूठे मुंह नहीं पूछा, बहुत अच्छा प्लान बताया खाने का। सो न्यूट्रल जूस, दिस वाज अ वेरी गुड ट्रिप। अच्छी जगह है सियादपुर विलेज, हिस्टोरिकल है एज वेल एज नेचर है यहाँ पर, एंड वेदर बहुत अच्छा है स्पेशली इन समर्स, एंड सो अ गुड बाय टू सियादपुर विलेज।